Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Micon School GGC, class 5th subject English lesson 2nd, class 5th English question answer day 4 है हमारा और आज हम पढ़ेंगे guys lesson 2nd का let's learn pranayam. Answer the following question, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. Where did Nitin and Shivam go one day in the morning? एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहां गए थे. वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग. एक दिन नितिन और शिवम कहां गए थे. वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग. नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क. नितिन और शिवम एक पार्क में गए थे वन डे एक दिन इन द मॉर्निंग सुबह के समय एक पार्क में गए थे. नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क. एक पार्क में गए थे वन डे एक दिन. व्हाट इज प्राणायाम. प्राणायाम क्या है. व्हाट इज प्राणायाम. प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. प्राणायाम सांसों का नियंत्रण है और विस्तार है. प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. हमारी सांसों का नियंत्रण है, हमारी सांसों का विस्तार है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं, प्राणायाम के क्या लाभ हैं. बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, प्राणायाम करके वी कैन रिड्यूस ब्रीथिंग रेट. हम हमारे ब्रीथिंग रेट को कम कर सकते हैं एंड ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं. इट स्लो डाउन द हार्ट रेट. यह हमारी हार्ट रेट, हृदय की धड़कन को कम करता है. इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड. यह हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. इट इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यह हमारी जीवन की अवधि को बढ़ाता है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम. By practicing pranayam, प्राणायाम करके we can reduce breathing rate. हम breathing rate को कम कर देते हैं and blood pressure को कम कर देते हैं. It slow down the heart rate. यह हमारी heart rate को धीमा बना देता है. It relaxes our body and mind. यह हमारे body और mind को relax करता है. It increases our life expectancy. यह हमारी जीवन की अवधि है, उसको बढ़ाता है. What is पूरक. पूरक क्या है. What is पूरक. The process of breathing in is called पूरक. सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती. The process of breathing in is called पूरक. ध्यान रखिए, ये जो लेसन सेकंड है प्राणायाम के बारे में है. कल हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो भी इससे संबंधित पढ़ाए थे. कुंभक क्या है, प्राणायाम पूरक क्या है, रीचक क्या है. तो आज हम इन क्वेश्चनों को करवा रहे हैं. हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्टिल्स व्हाइल डूइंग रीचक. आप कैसे क्लोज करते हैं, कैसे बंद करते हैं अपने राइट नोस्टिल्स को व्हाइल डूइंग रीचक. रीचक करते समय, व्हाइल डूइंग रीचक, रीचक करते समय वी प्रेस अवर राइट नोस्टिल्स. हम हमारे राइट नोस्टिल्स को दबा लेते हैं विद थंब, अंगूठे से टू क्लोज इट. और इसको बंद करने के लिए हम इसको दबा लेते हैं. एक्टिविटी सेकेंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे दिए गए मिसिंग लेटर्स को भरिए. एन ओ एस टी आर आई एल. ध्यान रखिए, ये रिक्त स्थान था. यहां पर हमको ओ, यहां पर हमको आई भरना है. नॉस्ट्रिल्स, ध्यान रखिए क्या वरना है, नॉस्ट्रिल्स. ब्रीथ, बी आर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, टी एच ई रिक्त स्थान. तो हमें क्या वरना है, यहाँ ई वरना है, यहाँ ए वरना है, यहाँ ई वरना है. ब्रीथ, वी आर ई ए टी एच ई. इसी प्रकार थाइक, टी एच आई जी एच, थाइक. इसी प्रकार थम, टी एच यू एम बी, थम. इसी प्रकार एंकल, ए एन के एल ई, एंकल एंड टखना. और रिलीज, रिलीज यानी छोड़ना, आर ई एल ई ए एस ई, रिलीज यानी छोड़ना. तो नॉस्ट्रिल्स इनको बोलते हैं नथनों को. ब्रीथ सांसों को बोलते हैं. थाई जंगा को बोलते हैं. थम अंगूठे को बोलते हैं. एंकल टखने को बोलते हैं. और रिलीज किसी चीज को, सांसों को छोड़ने को रिलीज बोलते हैं. ओके गाइस, तो ध्यान रखिए मैंने इन क्वेश्चनों को करवाया. आज आपका लेसन सेकंड कंप्लीट हो चुका है. कल मैं आपको आगे कंपोजिशन में एप्लीकेशन स्टोरी और एक आपको एक स्टोरी, एक ऐसे और एक एप्लीकेशन राइट कराऊंगा.
ओके गाइस, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लें। थैंक यू, वाई सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके।